ओके, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारा कल का येलो कार्ड था और उसमें एक क्वेश्चन आया था, दैट इज व्हाट इज सीजीएमपी। सीजीएमपी बेसिकली स्टैंड फॉर करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जो करंटली गाइडलाइन है, जो हमारे ड्रग लॉ में है, हमारा जो शेड्यूल बी है, ठीक है, उसमें जो गाइडलाइन हमें दी गई है कि आपने ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग जो प्रैक्टिसेस आप लोगों ने लेके चलनी है और आप लोगों को जो एसओपीस बताए गए हैं, जो तरीकेकार आपको एक डिजाइन कर दिया गया है कि आप लोगों ने टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो ये प्रोसेस आपने जो है वो लेके चलना है। जनरली भी एक इसकी गाइडलाइन अवेलेबल है कि आप लोगों ने फार्मा इंडस्ट्री को मैनेज किस तरीके से करना है। तो फार्मा इंडस्ट्री जब भी आप ज्वाइन करोगे, आप देखोगे कि हर चीज का एक सेपरेट प्रोटोकॉल है, उसके थ्रू ही हम आगे चलते हैं। हम खुद से कोई स्टेप नहीं उठा सकते। आपने प्रोटोकॉल पूछना है, आपने एसओपीस देखनी है। फॉर एग्जांपल आपने कोई इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट करना है, सबसे पहले आप अपने सीनियर से उसका एसओपी लेंगे। तो वो एसओपीस जो है वो होते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। आपको जो है उसमें एक रिटन प्रोसीजर मिलेगा, आप उसके थ्रू ही उसको ऑपरेट करोगे, ठीक है। उसके प्रिकॉशंस भी हैं, उसके अगेंस्ट उसका डॉक्यूमेंट भी है, उसके रिकॉर्ड्स भी हैं, तो आपने उस तरीके के साथ उसको मैनेज करना है। ओके, तो ये है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। अब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस अप्लाई कहाँ कहाँ होती हैं? आपने देखना है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी जो सेफ्टी है वो इस टर्मिनोलॉजी पे डिपेंड करती है। अगर आप फॉलो कर रहे होंगे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, देन आपका प्रोडक्ट की जो सेफ्टी है वो बिल्कुल होगी, ठीक है, क्योंकि वो एक प्रोसीजर के थ्रू आप चले हैं ना। जहां भी आपने स्टेप मिस किया, देन फाइनली म्यूट योर माइक्स। सो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो कि हम अप्लाई करते हैं फार्मा इंडस्ट्री के अंदर, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्ट की पैकिंग में, ईच एंड एवरी स्टेप जो है ना वो सीजीएमपी के थ्रू ही होता है। एंड सीजीएमपी जो है वो हमारे शेड्यूल बी में, हमारे ड्रग लॉ के अंदर जो है वो अवेलेबल है। फाइनल ईयर के स्टूडेंट जो फोरेंसिक पढ़ रहे हैं उन वो सब जो है शेड्यूल बी खोल के देखिए, उनको सीजीएमपी का टोटल फॉर्मेट और फार्मा इंडस्ट्री का लेआउट प्लस जो भी स्टेप्स हैं वो उनको वहां पे मिल जाएंगे और वो इस चीज को जरूर देखें। आप सबको वॉइस क्लियर है? काइंडली रेज योर हैंड। ओके ओके ओके, नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सबसे पहले आज हमारे पास पावर पॉइंट है, देन मैं आप लोगों को रिव्यू शुरू करवा दूंगी बीएमआर का, ठीक है। और आप लोगों ने ना उसको अच्छे तरीके से देखना है, उसके नंबर ऑफ पेजेस थोड़े से ज्यादा हैं, लेकिन आप लोगों ने कॉन्सेंट्रेट करना है। जस्ट मैं बेसिक्स आपको बताऊंगी और ये जो लेक्चर है वो रिकॉर्ड होगा, चैनल पे आ जाएगा, तो आप लोगों को कोई भी मसला हो तो आप लोग उस चीज को दोबारा देख लीजिए, ठीक है। आपकी का जो लेक्चर है ना वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आज का, प्लस कल का भी होगा, क्योंकि हम आज और कल दोनों दिन जो है वो पीएमआर का रिव्यू करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको पहले हमारी जो पावर पॉइंट है उस पर ले चलूँ, एंड देन उसके बाद हम जो है पीएमआर का एक पूरा फॉर्मेट देखेंगे। ओके, पार्ट्स ऑफ बीएमआर। हमारा जो बीएमआर होता है ना, बेसिकली इसको डिवाइड कर दिया गया है कि कंपनी ने अपनी फैसिलिटी के लिए किया है। ओके, तो कंपनीज जो हैं वो अपनी मर्जी से करती हैं, चाहे तो वो एक कंपाइल फॉर्म में एक फाइल बना लेती हैं, प्लस वो क्या करती हैं यहाँ पे डिवाइड कर लेती हैं बीएमआर को। एक उसका बैच प्रोसेसिंग रिकॉर्ड हो जाता है, प्लस दूसरा जो पार्ट है उसका वो हो जाता है बैच पैकिंग रिकॉर्ड। प्रोसेसिंग की एक फाइल बना लेते हैं, प्लस दूसरी साइड पे क्या करते हैं उसका जो पैकेजिंग रिकॉर्ड होता है ना उसकी सेपरेट फाइल बना लेते हैं। इस तरह से है इसका।
हेलो। एंड ये दो तरह से इसके पार्ट्स बन जाते हैं, ठीक है। पीएमआर के दो पार्ट हो गए। नंबर वन जो फर्स्ट पार्ट है उसमें प्रोसेसिंग का रिकॉर्ड होगा, और जो सेकंड पार्ट होता है उसको बैच पैकिंग रिकॉर्ड कहा जाता है, बीपीआर कहा जाता है, ठीक है, बीपीआर। और जो हमारा बैच प्रोसेसिंग रिकॉर्ड है उसको भी हम बीएमआर ही कहते हैं। आपको ये टर्मिनोलॉजी जो है ना, जब आप फार्मा इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको वहां पे जो है ये पता चल जाएंगे सारी, कि कौन सी कंपनी जो है वो बीपीआर प्लस बीएमआर फॉलो करती है, कौन सी कंपनी जो है वो एक कंपाइल फॉर्म में बीएमआर को लेके चलती है। ये डिपेंड करता है उनकी अपनी चॉइस पे कि वो किस तरह से डॉक्यूमेंट को लेके चलते हैं, ठीक। और ये पैकिंग का रिकॉर्ड बनाने का मकसद ये होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल पैकिंग में किसी बैच नंबर या किसी लॉट में या फिर लेबल गलत लग गए हैं या प्रिंटिंग ठीक नहीं है और मार्केट से कोई कंप्लेन आई है, तो वो बैच का जो पैकिंग रिकॉर्ड है ना उसको सेपरेटली वो निकालेंगे, ठीक है, और उस पे प्रोसेस करेंगे, रीवर्क करेंगे, रीप्रोसेस करेंगे उसको, जो भी करना है। तो उसको वो डिफरेंटली जो है वो रखते हैं, दोनों को स्प्लिट कर दिया गया है बीएमआर को। तो इसका एसेस कोई इतना ज्यादा वो नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि बीएमआर को हमने डिवाइड ही दो पार्ट्स में करना है, बट जो कंपनीज हैं कुछ वो करती हैं इसको डिवाइड बीएमआर में और बीपीआर में। बीएमआर इज फॉर बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड या फिर बैच प्रोसेसिंग रिकॉर्ड, एंड बीपीआर इज फॉर बैच पैकिंग रिकॉर्ड, राइट। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, मेजर अटैचमेंट्स। जो हमारे बीएमआर में मेजर अटैचमेंट्स होती हैं वो सबसे पहले क्या होता है वो मैं आपसे डिस्कस कर लूँ कि ये अटैचमेंट्स होनी जरूरी है बीएमआर के अंदर। बच्चों, जिन बच्चों को मेरा आवाज नहीं आ रही तो काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने नेटवर्क को चेक करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट सब बच्चों को जो है वो क्लियर है आवाज। नंबर वन इज प्रोडक्ट डाटा। प्रोडक्ट का डाटा होगा, प्रोडक्ट का नाम होगा, बैच नंबर होगा, बैच साइज होगा, मैन्युफैक्चरिंग डेट प्लस एक्सपायरी डेट। एंड नंबर टू इज पर्सोनल डिप्लॉयमेंट शीट। इसके अंदर क्या होता है, जो जो पर्सोनल्स काम करते हैं उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में, फॉर एग्जांपल जो सुपरवाइजर्स असाइन किए गए होते हैं या फिर जो तो वर्कर हेल्पर होते हैं, देन उनको जो है वहां पे शीट पे लिखा जाता है कि ये बंदा इस वक्त जो है वो इस ड्यूटी पे था, ठीक है। ये शीट होनी लाजमी है। प्लस उसके बाद आ जाता है मशीन डिप्लॉयमेंट एंड क्लियरेंस शीट, कि जो जो भी मशीनरी हमारी जो है वो यूज हो रही है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और हमारी पैकिंग के प्रोसेस के अंदर, तो वो हम सारा इस पेपर पे मेंशन करेंगे कि ये मशीन, उसका ये नंबर था, ठीक है, उसका ये स्टेटस था, मशीन क्लियर थी, क्लियरेंस हुई थी या नहीं हुई थी, जो भी स्टेटस उसका मशीन का वो वहाँ पे जो है रिकॉर्ड किया जाएगा उस शीट। नंबर फोर इज इक्विपमेंट क्लीन रिकॉर्ड स्टेटस या फिर लेबल। मैं आपको प्रोसीजर थोड़ा सा बताती चलूँ कि जिस भी एरिया में आपने काम करना है, फॉर एग्जाम्पल आप मिक्सिंग एरिया में आपका मटेरियल आ चुका है, तो मिक्सिंग में रिबन मिक्सर है आपका जो आपने यूज करना है, तो उसके ऊपर एक स्टेटस टैग लगा होना लाजमी है कि अगर तो सफाई हुई है तो क्लीनिंग होने के बाद जो है वो एक स्टेटस लगा होगा क्लीन्ड का, ठीक है। और प्रीवियस प्रोडक्ट, और मैं आपको लेबल्स और ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं ना वो इनशाला नेक्स्ट अपने लेक्चर्स में कवर करवाऊंगी, और कौन कौन से टैग होते हैं, कौन से कलर के टैग होते हैं, और किस तरीके से जो है हम उसको लेके चलते हैं आगे, और हर टैग का मकसद क्या है यहाँ पे लगाने का, ठीक है। तो एक क्लीनिंग का एक स्टेटस टैग और लेबल आप कह सकते हो वो लगा होता है आपकी मशीन के ऊपर, इक्विपमेंट के ऊपर, वो लाजमी होता है, ठीक है। उसके बाद डिस्पेंस मटीरियल लेबल, जो भी आप मटेरियल स्टोर से डिस्पेंस करवाएंगे उस पे एक टैग लगा होगा कि वो कितने केजी आपने डिस्पेंस किया है, किस बंदे के प्रेजेंस में वो डिस्पेंस हुआ है, उसका क्यूसी नंबर क्या था। क्यूसी नंबर जो है वो एक क्वालिटी कंट्रोल की तरफ से दिया जाता है हर प्रोडक्ट को अपना ही, ठीक है। आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देखिए रॉ मटेरियल से रिलेटेड या फिर स्टोर वेयर हाउस से रिलेटेड, तो आपको वहां से इसकी कंप्लीट डिटेल मिलेगी। ओके, नंबर सिक्स इज स्टोर इशू रिक्विजिशन, रॉ मटेरियल की भी और
पैकिंग मटेरियल की थी. आरएम इज फॉर रॉ मटेरियल एंड पीएम इज फॉर पैकिंग मटेरियल. इश्यूएंस रिक्वायरमेंट, इशू रिक्वायरमेंट, इस पे क्या होता है, जितना भी मटेरियल आपको पैकिंग या फिर अपना रॉ मटेरियल चाहिए, तो ये एक फॉर्मेट है जिसके ऊपर आप अपनी क्वांटिटीज लिख के देंगे स्टोर को कि हमें इतनी इतनी क्वांटिटी में ये चीज चाहिए, राइट. नंबर 7 इज स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर. ये प्रोसीजर लाजमी होना आपके बीएमआर का मेजर पार्ट है, बिकॉज आपका प्रोसीजर नहीं होगा तो आपसे मिस्टेक हो सकती है. देखिए, हमारे जो पायलट होते हैं वो भी एक प्रोसीजर को देखते हुए, उनके पास एक फॉर्मेट होता है, ठीक है. जहाज चलाने से पहले जो है वो अपने ईच एंड एवरी स्टेप को जो है वो टिक मार्क करते हैं कि हमने ये स्विच ऑन कर लिया, अब हमने ये चीज कर ली है, तो उसको टिक मार्क कर लेंगे. कुछ भी आपके माइंड में से निकल सकता है कोई स्टेप, तो आपका स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर इज मस्ट, ओके. और उसको देखते हुए फार्मासिस्ट ने अपने सुपरवाइजर से काम लेना है कि आप पहले स्टेप पे ये करेंगे, सेकंड स्टेप पे आपने ये करना है, थर्ड पे अब आप ये करें, इस तरीके से आपने काम करना है, ओके. नंबर 8 इज रिक्वेस्ट फॉर एनालिसिस. रिक्वेस्ट करेंगे हर स्टेप पे. फॉर एग्जांपल, मिक्सिंग हो गई है तो आपने मिक्सिंग के बाद एक रिक्वेस्ट जनरेट करनी है. एनालिसिस के लिए आपने अपना सैंपल प्लस रिक्वेस्ट जो है वो देनी है क्यूसी डिपार्टमेंट को, थ्रू क्यूए डिपार्टमेंट, ठीक है. फ्लो चार्ट मेरे अवेलेबल है, मेरा पहला लेक्चर जो है वो काइंडली लीजिएगा आप लोग, और उसमें आपको डिटेल पता चलेगी कि आप क्यूए वाला पर्सोनल क्या करेगा, क्यूए फार्मासिस्ट क्या करेगा, एंड हमारा प्रोडक्शन फार्मासिस्ट क्या करते हैं, एंड हमारे क्यूसी एनालिस्ट जो है उनकी बेसिक जो है जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है और वो क्या ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं. तो रिक्वेस्ट जनरेट करेगा प्रोडक्शन फार्मासिस्ट, देगा वो क्यूए वाले को, और क्यूए जो है उसके अगेन सैंपल लेगा आपसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, और वो जाके दे देगा किसको, क्यूसी डिपार्टमेंट. एंड देन अगेन क्यूसी डिपार्टमेंट से वो लेगा उसकी रिपोर्ट, जो भी एनालिसिस उन्होंने परफॉर्म किया क्यूसी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ने, वो वहां से लेगा उसकी रिपोर्ट और वो लाके देगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को. अगर तो उनके रिजल्ट जो है विद इन लिमिट होंगे तो आपको इजाजत दी जाएगी नेक्स्ट स्टेप के लिए, ठीक है. मिक्सिंग के बाद आपकी ग्रैनुलेशन के लिए या फिर आपकी ड्राइंग के स्टेप के लिए आपको जो है वो परमिशन दी जाएगी, ओके. एंड नंबर 10, इन प्रोसेस कंट्रोल शीट्स होना लाजमी है. अगर आप अपने इन प्रोसेस, वो होता है जो ड्यूरिंग प्रोसेस, फॉर एग्जांपल टैबलेट अब कंप्रेशन पे चली गई है, कंप्रेशन हो रही है, रोटरी मशीन चल रही है आपकी, तो आपने उस वक्त जो एक कंट्रोल करना है, उसका वेट कंट्रोल करना है, उसका डायमीटर कंट्रोल करना है, उसकी थिकनेस को कंट्रोल करना है, तो उसकी एक शीट, एक रिपोर्ट जो है, एक डॉक्यूमेंट जनरेट किया जाता है. उस पर आपने हर आधे घंटे बाद एंट्री डालनी है कि इसका इतना डायमीटर था. मेरे इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग ऑफ टैबलेट्स जो है वो अवेलेबल है, वो भी आप लोग देखें वहाँ जाके डिटेल में. तो ये इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल जो शीट है ना, वो लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ से ही पता चलेगा कि कब वेरिएशन आई आपके टैबलेट के वेट में, कब आपका डीटी फेल हुआ, कब आपका जो है वो डायमीटर या फिर आपकी थिकनेस जो है वो वेरी की, जो भी सर्कमस्टांसेस होंगे वो सारे पैरामीटर्स जो हैं, बेसिकली फिजिकल पैरामीटर्स हैं, तो वो आपको वहां से पता चलेंगे इन प्रोसेस कंट्रोल शीट से. तो आप लोगों को एक थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि बीएमआर क्या है और क्या क्या चीज़ उसके अंदर होती है, बैच की पूरी हिस्ट्री है, ईच एंड एवरी थिंग उसके अंदर होगा. तो आप जो है आप ट्रेसिबिलिटी रख सकते हैं, ठीक है, आपकी बैच की आपके पास ट्रेसिबिलिटी होगी इस तरह से, जब आपके पास ये शीट, ये अटैचमेंट होंगी बीएमआर के अंदर, ओके. अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं. अप्रूव्ड पैकिंग मटेरियल, फॉर एग्जांपल उसके अंदर क्या कुछ आ जाता है, लेबल, यूनिट कार्टन, ब्लिस्टर एंड लीफलेट्स आ जाते हैं, ठीक है. आपका जो पैकिंग मटेरियल है उसको भी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट चेक करता है, ठीक है. आपका लेबल जो है अप्रूव होना चाहिए, आपके यूनिट कार्टन अप्रूव होना चाहिए. क्वालिटी कंट्रोल जो है उस पर क्या टेस्ट परफॉर्म करता है पैकिंग मटेरियल पे, इस पर डिटेल लेक्चर इंशाल्लाह नेक्स्ट बनाएंगे. और आपकी ये जो क्वालिटी है ना पैकिंग मटेरियल की, वो आपको क्वालिटी कंट्रोल के बाद उसकी एक टेस्ट रिपोर्ट दी जाती है स्टोर वालों कि ये मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल लेबल आए हैं, हमने टेस्ट कर लिया है इसको, हमने देख लिया है इसकी प्रिंटिंग, इसकी कलर, इसके पेंटोन कलर्स और डिफरेंट पैरामीटर्स हैं वो चेक करने होते हैं,
तो ये सब ओके हैं, जो हमारा एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसके साथ मैच कर रहे हैं, हमारी स्पेसिफिकेशन से आ रहे हैं, तो उसको वो एक रिलीज दे कि ये जो मटेरियल है वो अप्रूव है, फॉर अप्रूव पैकिंग मटेरियल है, तो आप लोगों ने भी अप्रूव पैकिंग मटेरियल स्टोर से इशू हुआ लेना है, ठीक है, और वही अपने पैकिंग के लिए यूज करना है. सो दिस इज सीजीएमपी के, ये आपने प्रैक्टिस करनी है. गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस यही है कि आपका टेस्ट होगा, चीज अप्रूव होगी, उसके बाद आप यूज कर सकते हो, उससे पहले आपको इजाजत नहीं है यूज करने की. अगर आप ऐसा कुछ करोगे तो आपके लिए ही, आपके प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए ही जो है ये डेंजर है, ठीक है, खतरे में है कि आप लोग जो है वो गलत चीज प्रोड्यूस करोगे, उस पर हो सकता है आपका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसकी स्पेलिंग ठीक ना हो, उसकी पोटेंसी ठीक ना लिखी हो, तो वहां पे आपको मसला हो सकता है. एंड देन नंबर 12, इन प्रोसेस पैकिंग कंट्रोल शीट. इन प्रोसेस पैकिंग कंट्रोल शीट के अंदर आपकी पैकिंग में जो लेबल है, सेम प्रोडक्ट जो आप चला रहे हैं लाइन पे उसी का ही लग रहा है, उसका बैज नंबर जो आपने बीएमआर में लिखा है क्या वही प्रिंट होके आया है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी, उसके रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डिफरेंट पैरामीटर्स जो हैं वो इन प्रोसेस पैकिंग में आपने चेक करना है, ठीक है. फार्मासिस्ट को, जो फ्रेश कैंडिडेट फार्मासिस्ट होते हैं हमारे, फॉर एग्जांपल क्यूए ऑफिसर आते हैं या फिर हमारे प्रोडक्शन फार्मासिस्ट आते हैं, उनको सबसे पहले जो है ना पैकिंग दी जाती है, पहले 2-4 दिन या फिर हफ्ता 2 हफ्ता, इवन के 1-1 महीना उनको पैकिंग बेल्ट पे खड़ा किया जाता है, ताकि उनको आइडिया हो कि किस चीज़ पे क्या कुछ उन्होंने कंट्रोल करना है और क्या चीज़ देखनी है और क्या उन्होंने रोकना है और किस चीज़ को उन्होंने प्रोसीड करना है, ठीक है. नंबर 13 इज फिनिश गुड ट्रांसफर नोट होना चाहिए. जितना आपने फिनिश गुड प्रोड्यूस किया वो एक नोट होता है, उसके ऊपर आप लिखते हैं कि इतने नंबर ऑफ कार्टन हमने प्रोड्यूस किए, इतने नंबर ऑफ शिपर्स हमने प्रोड्यूस किए, इतने यूनिट कार्टन प्रोड्यूस किए और ये अब हम शिफ्ट कर रहे हैं स्टोर को, वेयर हाउस को, ठीक है. तो फिनिश गुड ट्रांसफर नोट वो होता है. नंबर 14 इज डेविएशन रिपोर्ट इफ एनी. अगर आपका प्रोसेस पैकिंग में या फिर आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, अगर यस प्लीज म्यूट योर माइक. डेविएशन अगर आप करेंगे, आपकी किसी प्रोसीजर में डेविएशन हुई है, तो आप उसको पूरी एक रिपोर्ट में जनरेट किया जाएगा, ठीक है, कि वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस वक्त हुआ, किसकी ड्यूटी थी, ठीक है. तो वो सारा एक डिटेल नोट जो है वो उसके अंदर लगाया जाता है बीएमआर के अंदर. नंबर 15 इज रिकंसिलेशन शीट. रिकंसिलेशन शीट जो है उसमें आपने बताना है कि आपने इतने पैक्स, नंबर ऑफ पैक्स प्रोड्यूस किए, इतने आपने स्टोर से लिए, इतने बच गए, इतने रिटर्न हो गए, इतने डिस्कार्ड हो गए, इतने वेस्ट हो गए. तो रिकंसिलेशन शीट पे ये सारा जो है वो प्रोसेस लिखा होता है और वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट बना होगा, आपने उसको रिकॉर्ड को फिल करना है, उस डॉक्यूमेंट को आपने रिकॉर्ड बनाना है, ठीक है. फाइनल एनालिसिस रिपोर्ट. तो जब हमारा फिनिश प्रोडक्ट हो जाता है ना, तो लाइन के ऊपर से पैकिंग लाइन जो है वहाँ से हमारे क्यूए ऑफिसर जो है पिक करते हैं सैंपल्स और वो जाके क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट को देते हैं फाइनल एनालिसिस के लिए, कि आप इसका एक कंप्लीट एनालिसिस करके हमें बताएं कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो मार्केटिंग या फिर डिस्पैच के लिए रेडी है या फिर नहीं, ठीक है. तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट विच इज फाइनल एनालिसिस रिपोर्ट. बीएमआर रिव्यू सर्टिफिकेट. अब बीएमआर रिव्यू सर्टिफिकेट क्या होता है, वो एक शीट होती है, एक सर्टिफिकेट होता है, एक आप समझ लें कि लिस्ट होती है, उसमें हम देखते हैं और ये जो है वो हमारा क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट जो है ये परफॉर्म करता है, ये एक्टिविटी वो चेक करता है ईच एंड एवरी स्टेप, अपना पेज नंबर 1 से लेके जो लास्ट पेज है वहाँ तक, ठीक है. उसके बाद जो लास्ट 18 नंबर पे है, दैट इज सीजीएमपी सर्टिफिकेट. हमें मिनिस्ट्री की तरफ से जो है बाय लॉ एक सीजीएमपी गाइडलाइन के थ्रू, ये एक गाइडलाइन हमें दी गई है कि आपने जब अपनी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, अपना कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है, तो आपने उसके साथ एक सर्टिफिकेट अटैच करना है कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया है उसको हम सर्टिफाई करते हैं कि वो सीजीएमपी के अकॉर्डिंगली बना है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के थ्रू बना है, उसकी खिलाफवर्जी नहीं हुई, ठीक है.
तो हमारे प्रोडक्ट की सेफ्टी है, स्टेबिलिटी है, और वो अब इजी टू डिस्पैच है, ठीक है। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ओके, आज का येलो कार्ड आप सब देख लीजिए प्लीज। Which department of pharma take control of all documents and its record? So, कौन सा department है pharma industry के अंदर जो कि control करता है हमारे documents को भी और उसके records को भी, ठीक है। तो आप लोगों ने ये मुझे बताना है। आज के lecture का जो comment section होगा ना YouTube के channel पर, आपने वहाँ पे मुझे इसकी comment करनी है। Kindly अपने answers अभी मत show कीजिए। एंड देन अब हम चलते हैं अपने BMR रिव्यू के ऊपर। रिव्यू स्टार्ट कर लेते हैं बिकॉज काफी सारे उसके पेजेस हैं, तो आज ही इंशाल्लाह उसको लेके चलते हैं, कल भी चलेगा वो। ओके, प्लीज एक मिनट के लिए होल्ड कीजिए, स्क्रीन शेयर कर लूँ मैं आपके साथ। ओके, आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? आप लोगों को एक वर्ड की फाइल नजर आ रही है? काइंडली मुझे बताइए। आ रही है मैम। यस मैम। ओके, वी हैव ओनली 10 मिनट्स, तो 5 मिनट इस पे ले लेते हैं एंड देन 5 मिनट बाद मैं आप लोगों के ना क्वेश्चन आंसर ले लूंगी, बिकॉज कल भी आप लोगों के रह गए थे, ठीक है। थोड़ी सी एक जनरल डिस्कशन कर लेंगे एंड पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, अब आप इस फाइल को जरा गौर से देखो कि ये आप लोगों को, काइंडली म्यूट योर माइक्स। ये एक BMR है, ठीक है, और BMR के हर पेज पे एक हेडर होता है, ठीक है, और उस पे प्रोडक्ट की सारी डिटेल होगी। कि आप यहाँ पे देखो प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है ट्रूडॉल टैबलेट 500 mg, ठीक है। साथ ही उसका बैज नंबर है जो कि दिया गया है TR009941, ये उसका बैज नंबर है। बैज साइज जो है वो उसका है 2 लाख टैबलेट्स का, और पैक साइज आप देखोगे 20x10S, यानी के जहां पे S लिखा होता है वो नंबर ऑफ यूनिट होते हैं। पर टैबलेट जो है 10, एक ब्लिस्टर के अंदर 10 टैबलेट्स होंगी और वो 20 होंगे ब्लिस्टर्स एक बॉक्स के अंदर। तो इट मींस कितना हो गया, कितनी नंबर ऑफ टैबलेट्स होगी, ठीक है। तो आगे आप देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग डेट सितंबर 2020, एक्सपायरी डेट उसकी लिखी हुई है अगस्त 2022, एंड देन उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है। अब आप ऊपर जरा नजर दौड़ाइए, यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर लिखा है, कंपनी नेम ऊपर आ जाएगा जहां पे आप मेड स्पार्कल्स देख रहे हो, इश्यूएंस 002, इसका मतलब है कि इसको रिवाइज किया गया है। पहले एक दफा BMR डिजाइन हुआ एंड देन अगेन दोबारा मतलब डिजाइन किया गया है इसको, इसलिए। और नेक्स्ट रिवीजन डेट, जो भी डॉक्यूमेंट आपका जनरेट होता है उसको साल बाद या फिर 2 साल बाद आपने रिवाइज करना है, बिकॉज चेंजेस तो आते रहते हैं, या तो आपके एटमॉस्फेयर में चेंज होगा या फिर आपके एक्टिव इंग्रेडिएंट के जो वेंडर्स हैं उसको आप चेंज कर लोगे, कुछ भी आप चेंज करोगे तो आपको अपना डॉक्यूमेंट रिवाइज करना है। कोई भी स्टेप, इवन के माइनर स्टेप भी आप जो है लोगे तो उसके पीछे एक ऑब्सोलीट डॉक्यूमेंट का एक डॉक्यूमेंट बनेगा कि इस डॉक्यूमेंट को, इस पेज को हम खत्म कर रहे हैं, और उसके बाद जो है आप लोग उसकी जगह जो नया फॉर्मेट डिजाइन किया जाएगा या फिर कुछ एडिशन किया जाएगा वो पेज आएगा, तो वो एक कंट्रोल प्रोसीजर के थ्रू आएगा, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट कंट्रोल की एक SOP बनती है, वो मैं आपसे इंशाल्लाह फ्यूचर में डिस्कस करूंगी कि आप लोगों ने डॉक्यूमेंट जब बनाना है, जनरेट करना है, तो कौन कौन सी चीजों का खासतौर पर ख्याल रखना है, ठीक है।
फॉर्मेट बनाना भी आप लोगों को मैं बताऊंगी। ओके, जो हमारा बीएमआर है किसने बनाया है, प्रोडक्शन मैनेजर, उसको बनाएंगे, रिव्यू करेंगे हमारे क्यूसी मैनेजर और उसको अप्रूव करेगी पूरी क्यूए की टीम प्लस क्यूए मैनेजर पर्सनली, उसको खुद देखेंगे और उसको रिवाइज करेंगे। तीनों मैनेजर जो है ना यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं बीएमआर के बनाने में, ठीक है। वो अपने अपने स्टेप्स इन्वॉल्व करवाते हैं और फिर आप लोग जो है उसको लेके आगे चलते हैं। जब वो फाइनलाइज कर देंगे तो एक मास्टर कॉपी बनेगी और उसके बाद आपको फोटो कॉपी दी जाएगी फॉर योर एवरी प्रोडक्ट फॉर एवरी बैच, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। तो जनरल इंस्ट्रक्शन में क्या है, डोंट यूज द बैच शीट और अनलेस इट हैज बीन चेक एंड इशू, मतलब कि आप लोग जो है ना कुछ जनरल डिटेल्स होती हैं कि ओवरराइट मत करें, लेबल अप्रूव का लगा होना चाहिए, वही मटेरियल यूज करें और जो है आपकी जो डिस्पेंस कंटेनर्स होते हैं वो लेबल होने चाहिए, कि जनरली जो आपने ड्यूरिंग प्रोसीजर जो है वो चीज़ें देनी है। मैं आप लोगों को ये इस लेक्चर की भी जो है वो एक वर्ड की फाइल पीडीएफ फाइल बना के आपको सेंड करूंगी, आप लोग इसको जो है अच्छे तरीके से पढ़ लेना कि क्या क्या जनरल प्रोसीजर है, जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है एक बैच को बनाने के लिए। तो पहले पेज पे आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी, ओके। उसके बाद आप देखोगे जो भी आपके इक्विपमेंट्स हैं वो क्लीन होने चाहिए और जो है आपका रिकॉर्ड जो है वो टाइम टू टाइम होना चाहिए, जिस टाइम पे आपने मिक्सिंग स्टार्ट की आप उसी टाइम को वहां पे मेंशन करोगे, ओके। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं, प्रोडक्शन ऑर्डर नंबर टू इज प्रोडक्शन ऑर्डर। आपको प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो आया होगा कि आप इतने नंबर ऑफ पैक्स जो है वो हमें बना के दें, कमर्शियल बना के दें या फिजिशियन सैंपल हमें इतनी क्वांटिटी में चाहिए, जो भी आपको ऑर्डर आता है ना, तो आपके प्रोडक्शन मैनेजर अकॉर्डिंग टू बैच और प्रोडक्ट जो है वो जो भी ऑर्डर मिलता है उसको वहाँ पे डाल देते हैं कि आपने जो है इतने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस करने, नंबर ऑफ सॉरी फिनिश गुड प्रोड्यूस करना है और उसको इस तरीके से लेके चलना है। आगे आपके प्रोडक्शन मैनेजर के साइन होंगे कि आपने कमर्शियल पैक इसके इतने बनाने हैं, फिजिशियन पैक्स इसके आपने इतने बनाने हैं, ओके। नेक्स्ट जो है हमारी डिस्पेंसिंग है, इंशाल्लाह ये मैं कल डिस्कस करूंगी। अब आपके थोड़े से मैं क्वेश्चन आंसर ले लेती हूँ, फिर कल हम पूरा टाइम जो है वो इस फाइल को ही लेके चलेंगे। वन बाय वन प्लीज आप लोग अपना माइक अनम्यूट कीजिए और आप मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ बैकग्राउंड का पूछना है, कुछ रिलेटेड टॉपिक जो है बेसिकली पूछिए, हैंड रेज कीजिए एंड फिर मैं आपका क्वेश्चन लेती हूँ। जब तक आपकी एक्सपायरी डेट है ना आपके प्रोडक्ट की, यही क्वेश्चन है ना कि आप उसका रिकॉर्ड कब तक मेंटेन कर सकते हो, कितने अरसे तक आपने रखना है। फॉर एग्जाम्पल आपकी 2 years की जो है वो एक्सपायरी है, 2 years की आपकी एक्सपायरी डेट है, तो आपने जब उसकी एक्सपायरी जो है खत्म होगी उसके 1 साल बाद तक आपने उसका रिकॉर्ड जो है अपने पास रखना है इसे, ठीक है। उसके बाद आप अपने रिकॉर्ड रूम में रखना चाहें, कंपनीज जो है कुछ 5 साल के लिए भी रखती है, कोई 3 साल के लिए भी रखती है, लेकिन बेसिकली जो प्रोटोकॉल है वो यही है कि आप अपनी प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट तक उसको रखें, ठीक है, अपने पास, और फिर उसके बाद अपने रिकॉर्ड रूम में रख लीजिए। 2 साल के बाद जो तीसरा साल आएगा ना, 1 साल आपने एक्सटेंड करके उसको अपने पास रखना है रिकॉर्ड को, ओके। नेक्स्ट यस किसी ने कुछ नहीं पूछना, सब कुछ बहुत अच्छी समझ आ गई है मैम। अस्सलाम वालेकुम, ये जो आपने सुबह खालिद
सुबह खालिद मैम, ये जो आपने मैम ये जो आपने पॉइंट 12 में बताया था कि हमने लेबल, यूनिट कार्टन, ये सब चीजें अटैच करनी है, तो उसके साथ लीफलेट भी अटैच करना होगा। मेन नॉलेज में ये है कि जितना हम मैम मेन नॉलेज में ये है कि जितना हम जो जो हम प्रिंट करवाते हैं, बैच कोडिंग होती है, तो उस चीज को हम अप्रूव प्रिंटेड कार्टन और लेबल्स अटैच करते हैं। इसके अलावा लीफलेट्स वगैरह भी अटैच किए जाते हैं। Obviously, वो भी आपका प्रिंट मटेरियल है। आप अगर फॉर एग्जाम्पल आपके लीफलेट के अंदर आपका जहाँ जहाँ एक्टिव इंग्रेडिएंट लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर उसकी कोई मेजर इंफॉर्मेशन है वो मिसप्रिंटेड हो जाती है, या फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो वो आपकी जो चीज़ है वो मिसप्रिंटेड में चली जाएगी ड्रॉप लॉक के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपने पैकिंग मटीरियल को भी उसी तरीके से, उसी प्रोटोकॉल के साथ अप्रूव तरीके से आपने यूज करना है। आप कुछ भी यूज कर रहे हो, आपकी जो भी पैकिंग मटेरियल के अंदर चीजें जो है, जो खास तौर पे आपका प्रिंट जो है मीडिया, तो वो आपने जरूर उसके अंदर अटैच करना है बकायदे तौर पे, ठीक है। अप्रूव यूज तो करना ही करना है, प्लस आपने उसको बीएमआर के अंदर अटैच करना है। ओके, नेक्स्ट प्लीज। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स काइंडली पार्टिसिपेट कीजिए, उनको कोई कंफ्यूजन है तो बताइए मुझे। हेलो, हेलो मैम, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। हेलो, यस यस, हु इज दिस? मुझे आवाज आ रही है आपकी? हेलो हेलो जी जी, बोलिए बोलिए, मैं